जो खाजा है कितने अच्छे से ये खिल गया है एक तरीके से, एकदम पूरी की तरह आपको ये खिला हुआ दिख रहा होगा। मोदी जी को नहीं खिला है? नहीं, अभी तक खिलाया नहीं है। टारगेट है ना उनको भी खिलाना, खिलाना है। आज खिलाएं, कल खिलाएं, खिलाएंगे आप। क्या बात, अब हम लोग भी खाते हैं। मोदी जी तो बाद में खाएंगे, फिलहाल हम लोग खाते हैं। तो बहुत दिन से कमेंट्स आ रहा था कि कुछ पटना के बाहर का दिखाइए, कुछ पटना के बाहर का दिखाइए। लगातार पटना का वीडियो आ रहा है, बस आपके लिए आज आप पहुंचे। हम लोग सिलाव और एक्सप्लोर करने वाले हैं वर्ल्ड फेमस सिलाव के खाजा को। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और फिलहाल हम लोग खड़े हैं सिलाव में। सिलाव में तो जैसे ही आप इंटर करते हैं लाइन से बस आपको खाजा 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 का दुकान दिखेगा, शॉप दिखेगा और अलग अलग नाम से दिखेगा। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि अगर हम लोग सिलाव आते हैं तो किस जगह पर जाएं, किस जगह का खाजा खाएं। तो आज आपके इस कन्फ्यूज़न को भी हम लोग दूर करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद फाइनली ढूंढ निकाले हैं जो कि सबसे पुराना और सबसे बेहतरीन शॉप है खाजा का सिलाव में। और फिलहाल हम लोग खड़े हैं काली शाह खाजा शॉप के बाहर में। आज से एक दो दिन पहले हम घर पे अपने खाजा मंगवाए थे, इसी जगह से मंगवाए थे खाजा, यहाँ का ट्राई किए और इतना ज़्यादा ज़बरदस्त सा ये खाजा लगा कि बस कंट्रोल नहीं हुआ। लगा कि अब जल्द से जल्द सिलाव आना है और यहाँ आके गरम गरम खाजा खाना है। और हम लोग जैसे ही यहाँ पहुँचे हैं, जो भैया जो ओनर है जो यहाँ पे, वो हम लोग को बोले कि वीडियो वगैरह बाद में स्टार्ट कीजिएगा, पहले खाजा खिलाएं। और दिल खुश हो गया है उस खाजा को खा के। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं कि जो खाजा है वो किस तरीके से बनता है, क्या कुछ उसमें डलता है, और जो यहाँ के ओनर है उनसे भी आपका बात कराएंगे। बट उससे पहले लोकेशन बता दें कि ये सिलाव जो जगह है ये पड़ता है राजगीर और नालंदा के बीच में। और जिस शॉप के बाहर हम लोग खड़े हैं ये NH-82 के पास है। एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, गूगल मैप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ का अगर खाजा खाना है तो यहाँ आना पड़ेगा, आप घर बैठे बैठे भी यहाँ का खाजा मंगा सकते हैं। इनका प्रॉपर अपना एक ऐप है, प्ले स्टोर पर इनका ऐप अवेलेबल है। तो जो ऐप का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप उस जगह से ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और घर बैठे बैठे सिलाव के फेमस खाजा का मज़ा ले सकते हैं। तो चलते हैं, सारा प्रोसीजर दिखाते हैं किस तरीके से खाजा बनता है, फिर कुछ बात करेंगे यहाँ के ओनर से। तो मेकिंग दिखाने से पहले सोचे कि कुछ चाय वाय पी ले, तो चाय तो मिला ही, साथ ही साथ एक नमकीन खाजा भी मिला। तो बहुत लोगों को लगता है कि खाजा का मतलब सिर्फ मीठा होता है, सिर्फ मिठाई होता है, बट ऐसा नहीं है। आप एज ए स्नैक भी खाजा को खा सकते हैं और इसका भी बहुत बेहतरीन सा स्वाद है। मीठा तो हम लोग ऑलरेडी आते साथ ही खा चुके हैं, अब चाय के साथ कुछ नमकीन खाजा खा रहे हैं। तो अभी कुछ कस्टमर मिले जो कि यहाँ पे खाजा खा रहे थे, और जैसा कि बताए भैया कि आप बहुत रेगुलर कस्टमर हैं यहाँ के। एकदम एकदम जी जी, बहुत अच्छा। ये संजीव जी के यहाँ बहुत पुराने कस्टमर हैं हम लोग। अच्छा। और यहाँ पे पदाधिकारी भी हैं, हमेशा आते रहते हैं और बहुत ही मतलब अच्छे क्वालिटी के मतलब खाजा बनाते हैं। अनरसा भी इनका एक नया प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा है। अच्छा, अनरसा पहले नहीं था, अब नया ऐड हुआ है, नया लॉन्च किया है। हाँ, और पिछले साल मतलब कुछ दिनों में अभी बंद किया है, जब शुरू होगा तो वो भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग कभी भी आइए। और ये आप लोग कब से खा रहे हैं यहाँ पे? लगभग एक दो साल हो गए मेरे। दो साल आप लोग सभी लोग? हाँ, सभी लोग। हम लोग जब भी घर जाते हैं यहाँ से जरूर लेके जाते हैं, और हम लोग के घर वाले बोलते हैं कि आना तो राजगीर का, इनका सिलाव का जो है लेते आना खाजा। राजगीर से काली शाह का खाजा लेकर आना, सिलाव से काली शाह का खाजा। हम लोग यही पोस्टिंग भी दो भाई, मतलब इनका व्यवहार इतना अच्छा है कि कोई खिंचाई चलाएगा और कोई डाउट नहीं। जी जी जी, तो ये बहुत अच्छा है। आप लोग इधर कहीं रहने वाले हुए? नहीं, हम लोग एक्चुअली पटना के रहने वाले हैं। हम लोग यहाँ पोस्टेड हैं और यहाँ ऑफिसर है, हम लोग ब्लॉक में पोस्टेड है, तो आते रहते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ आपने देखा होगा कि हजारों दुकान है, लेकिन सबसे जो अच्छा टेस्ट है सो इनका ही है। हम लोग भी आने से पहले पूरा रिसर्च करके आए कि जो बेस्ट है वहीं आना है। जी जी, आप देख भी सकते हैं, इनका खा के देखे भी होंगे। हाँ हाँ, तो आते साथ खिलाए पहले खाजा, इनका सबसे ये बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। पहले खिलाएंगे आपको, टेस्ट भी कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, काफी बढ़िया टेस्ट रहता है। चलिए, आप लोग ऑफिस का लेट हो रहा होगा, बहुत बहुत धन्यवाद रुक के बात करने के लिए। चलिए देखिए किस तरीके से खाजा को बनाया जाता है, सारा कुछ स्क्रैच से आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये है मैदा। भैया ये मैदा है ना, मैदा सान के रखे हुए हैं, सिर्फ मैदा अभी है ये। तो ये है मैदा, मैदा को सान के रखा गया है। और अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो परत है वो बनाया जाता है। सबसे पहले इसे पूरी तरह से फैला लिया जाएगा। ये जो भैया ये मैदा और डालडा का है ना घोल, सिर्फ मैदा और डालडा है इसमें और कुछ नहीं। तो इस तरीके से परत को तैयार किया जाता है। और एक बार जब इस तरीके से मैदा और डालडा को डाल दिया गया, उसके बाद इसे ऐसे रोल किया जाता है। ये स्किल देखिए, कितना स्किल लगता है इन सब चीज़ों में, ये कोई एक दिन में सीख नहीं सकता। भैया कितने दिन से आप बना रहे हैं इस चीज़ को? 9 साल से आप इस काम को कर रहे हैं। तो ये एक लेयर जो है, एक लेयर हो गया, और ऐसा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनने वाला है। और ये प्रोसेस जो है ये अभी चलता रहेगा।
बार बार इस तरीके से ये मैदा और डालडा को लगाया जाएगा और इसे बेला जाएगा, पतला किया जाएगा, प्रोसेस जो है वो चलते रहेगा। अब जो सेकेंड लेयर है वो लगाया जा रहा है इसमें। सबसे पहले डालडा को गर्म करते हैं, उसके बाद उसमें मैदा को डालते हैं। जी अच्छा, मैदा इसमें डाल के घोरना है। अच्छा, घोर कर छोड़ देते हैं, जम जाता है। जम जाता, उसके बाद फिर वहाँ लगाना पड़ता है। अच्छा, इसी को यूज़ करते हैं आप वहाँ पे? इसको आप रगाड़ देंगे, पीढ़ा पर धर के पूरा माथना पड़ता है। अच्छा, और यही जो है इसके ऊपर लगाया जा रहा है। मक्खन की तरह हो जाता है फिर। और अब इसे कट किया जा रहा है, इसी को बोलते हैं कलम। इस तरीके से रोल कर लिया गया, कट किया गया और इसी को बोलते हैं कलम। अब ये जाएगा इनके किचन में जो शॉप के पास है, और वहाँ इसे छाना जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कितना सारा आपको इसमें लेयर दिख रहा हो भैया। कितना लगभग 50-52 लेयर रहता है ना? लगभग हो जाएगा उतना, लगभग 50-52 लेयर हो जाता है इसमें। तिरेगा ना, उतारेल बढ़ेगा ना। अच्छा, जितना इसको खींचेंगे उतना लेयर बढ़ेगा, जितना बार करेंगे उतना बढ़ेगा। तो अभी हम लोग इनके किचन वाले एरिया में आ चुके हैं जहाँ पर खाजा बनता है। और सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से इसे बेला जाता है। जी, पहले इसको मैदा सानते हैं, पानी देकर मैदा सानते हैं। अच्छा, उसके बाद उसको मैदा गूंज कर फिर लोहिया काटते हैं। अच्छा, लोहिया काटने के बाद इसको लेफ्ट लगाते हैं, इसमें मसाला डालते हैं। अच्छा, उसके बाद उसको कलम बनाते हैं। कलम बनाने के बाद फिर बेलते हैं, पट्टी बेलने के बाद वहाँ, और उसके बाद इस तरीके से इसे लंबा लंबा करके कट किया जाता है। और उसके बाद इसे इस कढ़ाही में डाल के छाना जाता है। डालडा गला के उसके बाद मैदा डालडा दोनों मिक्स करते हैं। उसके बाद ठंडा करने के बाद फिर उसका फिर मलाई बनाते हैं, मैंने के लेफ्ट करते हैं। तो जो डालडा और जो मैदा कर रहे हैं उसका मेन रीज़न ये होता है कि परत मतलब बन सके, सटे नहीं। अलग अलग जो आपका परत है वो अलग अलग रहे, इसलिए बीच में डालडा और मैदा को डालते हैं। जी जी, अब इस तरीके से देखिए बीच से इसे कट किया जाता है। और कोई ऐसा नहीं है कि नाप तोल के होता है, मतलब एक हर चीज़ का अपना अंदाज है, मेजरमेंट। और बहुत साल से ये लोग इस काम को करते आ रहे हैं। कितने साल से भैया आप खाजा बना रहे हैं? हम लोग अभी 15 साल से बना रहे हैं। 15 साल से आप खाजा लगातार बना रहे हैं। कुछ इसमें नाप तोल नहीं होता आपका, सारा अंदाज के हिसाब से? जी सर, अंदाजे मैदा देते हैं, अंदाजे पानी डालते हैं, सब नाप से नहीं करते। एक कलम में इस तरह का कितना खाजा बना? एक कलम में 20 गो या मैंने 22 गो होता है। 20 से 25 खाजा होता है इस तरीके से। देखिए हम जब भी होगा तो जोड़ा होगा, 25 होगा, बाकी 26 होगा, मैंने कि सही बात है, सही बात है, क्योंकि आपका जोड़ा में ही कट ही रहा है। जी, और अब इसे डाला जा रहा है इस कढ़ाई में। इसमें क्या है, डालडा या रिफाइंड? रिफाइंड है सर, रिफाइंड ऑयल है। जैसे ही ये डलता है रिफाइंड ऑयल में, देखिए कैसे ये फूल जाता है। अभी देखने में एकदम पतला 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 लग रहा है। और जैसे ही इसे गर्म तेल में डाला जाता है ये फूलने लगता है। जो खाजा है कितने अच्छे से ये खिल गया है एक तरीके से, एकदम पूरी की तरह आपको एक खिला हुआ दिख रहा होगा। और इसको निकालने के बाद फिर आप चाशनी में डालते हैं। जी, चाशनी में डालते हैं, ऊपर से ऐसे ही छिटते हैं। ये पहले तेल में छनाया गया, उसके बाद निकालते हैं, उसके बाद सरियाने के बाद फिर चीनी पड़ता है उसमें, चाशनी पड़ता है। ये इस तरह से निकल गया, उसके बाद फिर यहाँ पे सरियाया जाता है। अच्छा, सरियाने के बाद फिर चाशनी डालते हैं। तरीके से देखिए खाजा यहाँ आ चुका है, और अब इसके ऊपर डाला जा रहा है ये चाशनी। और ऐसा नहीं कि इसे चाशनी में डुबाया जाता है, हल्का हल्का इस तरीके से चाशनी डाला जाता है। तो ये जो खाजा है आपको बहुत एक्सेसिव मीठा वाला चीज़ नहीं है। जो नॉर्मल मिठाई हम लोग खाते हैं वो जितना मीठा होता है उतना मीठा ये खाजा नहीं होता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इनके काउंटर पर, और हमारे साथ है संजीव जी जो कि यहाँ के ओनर हैं। तो संजीव जी, सबसे पहले ये बताइए कितना पुराना दुकान है ये? 200 वर्ष से ऊपर हो गया दुकान। अच्छा, 200 साल पुराना दुकान है, इससे ऊपर हो गया है। मैं पंजाब से काली था, ठीक है, वही आविष्कार किया था खाजा को। अच्छा, खाजा के को आविष्कार ही वही किए? जी हाँ, वही आविष्कार किया। सिलाव में जो सबसे पहली दुकान है वो आपकी थी? जी जी जी, मेरा ही सबसे, इस नाम से नगर भी तब कोई बना दिया, कोई जय माँ काली, कोई काली शाह, कोई सुरभि काली बना दिया। हम लोग देखे, हम लोग जब आ रहे थे तो काली शाह नाम से बहुत दुकान सब दिखा। फिर हम लोग खोजे, पता किया, तो पता चला कि ये वाला सबसे ओरिजिनल और पुराना दुकान है। तो यहाँ कितने अलग अलग वेराइटीज़ का खाजा मिलता है? आपका मीठा खाजा, हल्का मीठा खाजा एक क्वालिटी बनता है, 200 रुपये किलो वाला हल्का लाइट मीठा मिलता है। अच्छा। और एक नमकीन मिलता है, और एक शुद्ध घी का खाजा मिलता है। अच्छा, वो 9 रुपये किलो शुद्ध घी का पड़ेगा, और नमकीन खाजा 2.5 रुपये किलो पड़ेगा। अच्छा। और एक आइटम और बनाते हैं, खोआ का नाश्ता। अच्छा, वो आपको 500 रुपये किलो पड़ेगा, काउंटर रेट। इसका एक नाम से ऐप भी बना हुआ है, मेरा नाम से ऐप बना है, इस नाम से ऐप बना है, प्ले स्टोर में डाउनलोड करना है, श्री काली सा खाजा।
आपके ऐप का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिन्हें भी डाउनलोड करना है मंगवाना है। ऐप से आप पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, पूरे बिहार में मंगाना चाहे तो, आपको नहीं आगे सिलाव नहीं आना चाहते हैं तो आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। तो रेट कुछ एक्स्ट्रा लगता है? हाँ, एक डब्बा होता है, डब्बा दिखाइए उनको, थर्मोकोल डब्बा होता है। अच्छा, तो कुछ पैकेजिंग चार्जेस वगैरह लगता है? दिखाई दिखाई। हाँ, पैकेजिंग सारी डब्बा का पैकिंग लगता है। वो कितना डब्बा का? बैंगलोर, मेरा डब्बा बैंगलोर से आता है। डब्बा का 200 रुपये डब्बा का चार्ज लगता है। अच्छा। और 150 रुपये आपका कुरियर पार्सल शिपिंग चार्ज होता है वो लगता है। अच्छा। और 200 रुपये खाया हो गया, 550 में आपका घर तक पहुंच जाएगा, वो बढ़िया सेफ से पहुंचेगा खाया पर। तो मतलब अगर कोई 1 किलो मंगाए, 2 किलो मंगाए, 3 किलो मंगाए तो पैकेजिंग चार्ज तो वही लगेगा? पैकिंग चार्ज होता है, डब्बा का चार्ज भी वही लगेगा। कुरियर चार्ज होता लगेगा, कहीं डब्बा का बॉक्स का पैकिंग चार्ज होता है, इसी से भेज रहे हैं माल, ऐसे पैकिंग होता है। थर्मोकॉल का बॉक्स सही है, अंदर में ये पत्तल डाले डाला हुआ है, पत्ता तो मतलब इसमें एकदम देसी टच दिए हैं। हाँ, नहीं, पत्ता उत्तर डाल के बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए पत्ता, देखिए खाया भर के इसमें दीजिए ना, पता चलेगा भरिए इसको, सरियाइए कैसे ना कैसे बताइए। पटना खाना है, पटना लोगों को खाना है तो ऐप से नहीं मंगा के हम मेरा नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक बस पे ला देंगे, फिर ये ऐसा बॉक्स मिलेगा, बॉक्स से पैकिंग करके आपको मिल जाएगा। चाहे जब 220 रुपये किलो पे आपको पटना पहुँच जाएगा खाया, तरीके से पैक करके आप पूरे दुनिया के किसी भी कोने में है खाजा आप डिलीवर करवा दीजिएगा। ऐप से आपको ऑर्डर करना, आपका नंबर भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, नंबर डाल दीजिए। और बात करना है, 2 दिन पहले आप अमेरिका भी भेजें खाजा, अभी वो तो जब हम लोग आए तो आप बता रहे थे, और आप ये भी बता रहे थे कि अमिताभ बच्चन के घर भी भेजें। हां, सब एक से एक बॉलीवुड के यहां खाया, एक से बॉलीवुड के खाया खाया। अच्छा, आज मैं सारा सीना को खाया भेजे, वो भी बहुत बड़ाई किए, ब्लॉग बना के डाले। अमिताभ बच्चन क्या बोले खाजा के बारे में? बहुत बड़ाई किए, वो तो मेरा ब्लॉग बना रहे, जो जितना जितना लोग बॉलीवुड खा रहे हैं खाया, ठीक है, सब ब्लॉग बना बना के डाल रहे हैं अपना। अच्छा, आप तो उनमें फोटो भी लगाए हुए हैं? फोटो भी रखी लगा हुआ है उनका। हाँ, इतना सा ब्रांड एम्बेसडर बना दिए हैं सिलाव खाजा का अमिताभ बच्चन जी को। ब्रांड तो बनाने वाला हम ही हैं, लेकिन आज लोग तो बिगाड़ रहा है उसको, उसको सही करना चाहिए कि कैसे क्वालिटी को। मैं आप कोई भी खाए, कोई भी दुकान से ले लेता खाया, अब मेरा दुकान बदनाम होता है, काली खाची नहीं मिलता, क्वालिटी ऐसा नहीं मिल पाता, उनका कहीं नाम रह गया, लेकिन सही दुकान से आएगा तो सही सामान मिलेंगे। अब लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, लोगों को हम लोग बता दिए कि सही दुकान यही है, तो फिर हम लोगों को बता दिए कि सही दुकान कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा है। ओरिजिनल यही आया है, आपको 88 जो लिखा हुआ है किसी दुकान में लिखा हुआ है, ट्रेडमार्क मेरा ही है, ऊपर में लोगो लगा दिए है। ये मतलब आप लोग कुछ अवार्ड वगैरह मिले? हाँ, अवार्ड मिला, राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, सामने अवार्ड है लगा हुआ। राष्ट्रपति अवार्ड मिला? हाँ, राष्ट्रपति भी अवार्ड मिला है, देखिए सामने अवार्ड मिला है, 87 में अवार्ड मिला है, 1987 में आपको राष्ट्रपति जी से मिला है अवार्ड भी, लेकिन सामने लिखा हुआ है इंटरनेशनल अवार्ड। और अभी रिसेंटली GI टैग भी मिल चुका है, GI टैग तो खाजा को मिला है। ये भी बहुत खुशी की बात है कि बिहार के किसी चीज को खुद लेने के लिए हम गए थे, पटना में थे, उनको हमको बुलाए, ट्रेडिंग दिए, कोलकाता से आपका बैंगलोर गए हैं, इसका 2 साल में हमको ये मिला है प्रमाण पत्र, बहुत पापल भी सब जाके मिला है। बहुत बड़ा योगदान है आपका इस चीज़ को आगे बढ़ाने में और फेमस करने में। हम चाह रहे हैं कि और पूरे वर्ल्ड में हम, मुझे हर कोई जाने, हर को पहचाने, आपको जानेगा तो बिहार को जाने, बिहार भी आगे बढ़ेगा, बिहार का चीज़ फेमस होगा। और हम GI और भी हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, और भी हम इसका पैकिंग का व्यवस्था हम सब टेक्निकल सबसे ज्यादा हाईटेक करना चाह रहे हैं, और भी कर रहे हैं, चीज़ देसी रहे बट पैकेजिंग हाईटेक रहे। अब हर जगह हम चाह रहे हैं कि मतलब हर मेरा छोटा छोटा दुकान में भी हम पैकिंग करके दे दें माल, मतलब हर कोई जाने दुकान का फायदा बन गया है। और जिन्हें भी GI टैग नहीं पता, उसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, वो बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ों को दिया जाता है। बिहार में सिर्फ 13 चीज ऐसे हैं जिन्हें GI टैग मिला है, और टोटल इंडिया में 300+ ऐसे चीज़ है जिन्हें GI टैग मिला है। तो किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जो बहुत ही यूनिक सा चीज़ होता है उसे ही GI टैग दिया जाता है। और रिसेंटली एक लीची को मिला है, शाही लीची जो मुजफ्फरपुर का है उसे मिला है, और सिलाव के खाजा को GI टैग मिला है, नवादा के मगी खान का मिला है, मकाना आपका मकाना मिला, आपका मकाना को मिला, हम लोग साथ में गए थे। अच्छा, मतलब पूरे बिहार में शायद 13 ऐसा GI टैग है, और पूरे इंडिया के में हम लोग बात करें तो सबसे हाईएस्ट GI टैग है कर्नाटका के पास, शायद 43 GI टैग है, 43 43 है। तो अब हम लोग खाजा का टेस्टिंग करते हैं, वैसे टेस्ट तो आते साथ भी आप कराए, घर पे भेजे तो भी किए, ट्विन खाया सबको खिलाई, ट्विन मन खाजा भी नमकीन एंड मीठा दोनों लगता है खाने में, आधा नमकीन आधा मीठा। हाँ, रिक्वेस्ट को भी लग गया, इसी तरह से नया नया आविष्कार होते रहने चाहिए। अमित शाह को भी कलकत्ता आए होते, इलेक्शन का टाइम था वहाँ, अमित शाह भी खाया, सबसे कोई खाया मेरा, वो क्या बोले खाजा बहुत बड़ा किए, वो बहुत सब चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी को नहीं खिलाए अभी तो नहीं खाए, अभी चाह रहे हैं उनको भी खिलाना चाह रहे हैं, उनको भी हम गिफ्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो मोदी जी को नहीं खिलाए? नहीं, अभी तक खिलाए नहीं है, टारगेट है ना उनको भी खिलाना है, आज खिलाएं कल खिलाएं, खिलाएंगे आप क्या खाया। अब हम लोग भी खाते हैं, मोदी जी तो बाद में खाएंगे, फिलहाल हम लोग खाते हैं, हम लोग खा के हम लोग खाया ले चुके, वैसे आके भी ट्राई किए थे, फिर से एक बार लिए हैं, क्योंकि कितना भी खाएं मन ही नहीं भरता है, ऐसा ज़बरदस्त सा एक खाजा है, और एकदम पतला सा होता है, 200 रुपये रेट है मीठा वाला खाजा का। अच्छा, ये वाला ट्विन वन है ना? हाँ, ये ट्विन वन वाला दिए हैं, तो इसमें आपको मीठा नमकीन दोनों का फ्लेवर मिलने वाला है।
एक्चुअल में ये 2-in-1 है, बट इससे ज़्यादा बेटर जो है वो मीठा वाला हमको लगा। ये वाला अगर किन्हीं को कम मीठा खाना है वो ये वाला ऑप्ट करें, बट जो असली मज़ा है वो जो एक्चुअल खाजा है, जो मीठा खाजा है उसमें है। और आप देख सकते हैं कि एकदम पतला पतला पेपर के जैसा इसमें परत होता है, एकदम पतला पतला सा पेपर की तरह परत होता है, बिल्कुल ही ऐसे एकदम क्रिस्पी सा ये खाजा चाशनी में डुबोया हुआ एकदम ज़बरदस्त सा ये आविष्कार है, और दिल खुश हो जाएगा। अगर कभी आप नहीं खाएं एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस खाजा को। जितना भी फैंसी मिठाई है आजकल का सब फेल है इस जैसी खाया के सामने। ऐसा ज़बरदस्त मिठाई, ऐसा ज़बरदस्त स्वाद। और आज भी बिहार में कोई भी शादी होता है, कोई भी शुभ अवसर होता है, उसमें इसी खाजा का यूज़ किया जाता है। इसे एक तरह से शुभ चीज़ भी माना जाता है, कोई भी शुभ ओकेजन हो इस खाजा को यूज़ करते हैं, इस खाजा को लोग गिफ्ट करते हैं। तो ये मान्यता है, ये पॉपुलैरिटी है इस खाजा का। अगर बिहार के बाहर से भी कोई लोग देख रहे हैं उन्हें ज़रूर एक बार सिलाव का फेमस जो खाजा है उसे ट्राई करना चाहिए। और ख़त्म करते हैं इसी नोट पे इस वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। पटना से काफ़ी दूर आए हैं स्पेशली इस जगह को कवर करने के लिए, तो कमेंट कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, आपको खाजा कैसा लगता है ये बताइएगा। थैंक यू सो मच।